हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा व्लॉग है कि आज हम हवेली में बाहर खाना बना रहे हैं। गर्मी बहुत है। मैं डेली सोचती थी कि मैं ना ऐसे कुकिंग ओपन में जैसे हवेली में या छत पे करूं तो उसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण ना एक तो चारों तरफ थोड़ा बहुत खिलारा जिसे कहते हैं वो पड़ा हुआ है, और हवेली में मैंने साफ हमने करवाई थी लेकिन फिर से घास वगैरह ना उग गई है। तो लेकिन गर्मी के कारण आज तो मैंने ना सोचा कि कोई बाद में सारे टसन देख लेंगे, पहले खाना बाहर बनाते हैं, क्योंकि किचन में भी काम करना बहुत मुश्किल है। चाहे जितना मर्जी फ़ैन वगैरह चलते हैं, लेकिन जो ओपन में खाना बनाने का मज़ा है ना गर्मी में, वो किचन में नहीं आता। तो एम और ज्योत का अभी होमवर्क कम्प्लीट नहीं हुआ, वो कर रहे, तो मैंने चाय बना के ले आई हूँ, और ज्योत के पापा बैठ गए हैं, हम चाय पी लेंगे पहले। और आज मैं खाने में दाल बना रही हूँ, जिसे साबुत दाल नहीं कहते मसर की, वो वाली दाल। तो कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा जल्दी थी, लेट हो गई मैं। पहले मैं सोच रही थी कि किचन में काम कर लूँ, फिर सोचा नहीं बाद में बाहर ही करूँगी काम। तो मैंने सोचा चलो विसल लगवा लेते हैं। तो सभी कह रहे थे कि नहीं आपने ना वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना था, तो मैंने सोचा कि नहीं आज तो नहीं मैं ये काम करूँगी, देर हो जाएगी ज़्यादा। तो बाहर का ना इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगता है ना, खाना जैसा भी बन जाए लेकिन बहुत मज़ा आता है खाने में। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कि कैसे हमारा लाइफस्टाइल है विलेज। क्योंकि देखिए आजकल ना विलेज के जो लोग हैं वो भी काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, उनके पास भी जो ट्रेडिशनल मेथड हैं लाइफ के वो भी हैं, और मॉडर्न उनके पास एक्स्ट्रा है। क्योंकि हम शहरों में तो हमारे पास सिर्फ मॉडर्न लाइफ है, लेकिन जो हम गांव में रहते हैं ना, हमारे पास हमारा जो कल्चर्ड लाइफ है, ट्रेडिशनल लाइफ है, वो भी है, और साथ में मॉडर्न लाइफ भी हमारे पास आ चुकी है। तो इसका कम्बिनेशन बन चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है आगे वाली हमारी जनरेशन के लिए भी। तो साथ साथ हमारे ना एम की जो आज मतलब हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी दिनों से इसके ये प्रॉब्लम चल रही है। टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं इनके दोनों बहन भाइयों के, इनकी आई साइड भी थोड़ा सा हल्की सी वीक है। तो हमने सोचा कि इनको एनक वगैरह लगवाने से पहले हम अपनी कोशिश करें मल्टी विटामिन वगैरह दे दें, तो थोड़ा अगर फ़र्क पड़े तो वह इनके बच्चे को लगवाने को ना मन नहीं करता, क्यों फिर सारी उम्र निकल जाती है। चाहे जितना कोई मर्जी कह ले कि ऐनक छूट जाती है, लेकिन निकलती नहीं है वो आँखों से। तो बच्चे जो बहुत ना वो वेट कर रहे हैं, उत्तेजित हैं कि जल्दी जल्दी खाना बने, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे बाहर चूल्हे पे काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। क्योंकि उनको ना अंदर किचन में गैस पे मैं काम करती हूँ, कहते हैं मम्मा हमको मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनको ऐसे पे देख सकते हैं ना कैसे बनाते हैं, और सही मेथड भी चाहिए। क्योंकि हमने जब हमारी कोई हम सोचें तो जब हमारे मतलब हम छोटे थे तो हमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी खाना बनाने की। जब हमारी दादी मासी मम्मी चाचियाँ जो खाना बनाती थी, हम सब पास खेलते थे, बैठते थे, वो देखते रहते थे ना, देख देख के चीज़ें सीख जाते थे। कि आजकल वो नहीं सीख पाते, क्योंकि हम किचन में होते हैं और उनको बार बार भेज देते हैं जाओ गर्मी बहुत है बाहर चले जाओ बाहर चले जाओ, तो वो देख के सीख ही नहीं पाते। फिर हम उनमें ब्लेम करते हैं कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो जो देखकर सीखने का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही बेटर है कि आप खाना जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाओ, बच्चों को पास में बैठा लो, चाहे वो अपना काम ही कर रहे हैं स्कूल का, चाहे खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है ना बहुत वो सीखने के चाहवान होते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि कैसे हमारे जो बड़े हैं वो काम कर रहे हैं। तो साथ साथ ये बातें कर रहे हैं मेरे साथ, और इनके पापा आ गए। अभी हमने ना दूध लेने जाना है। क्या है कि मैंने कोई गाय भैंस नहीं रखी, क्योंकि इनका जॉब का काम है, फिर बच्चों की मैंने स्टडी वगैरह भी करवानी होती है, खुद भी ठीक नहीं रहती। लेकिन मेरा मन बहुत है कि मैं घर में पशु हो तो अपने घर का जो ना दूध हो बच्चों को पीने के लिए मिले, तो बाहर से हमें दूध ना लाना पड़े। मैं कोशिश करूँगी कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मैं डबल इसमें वॉइस कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि हिंदी में मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरे भाई बहन को पंजाबी नहीं समझ आती वो भी हिंदी में हमारे जो ब्लॉग हैं वो समझ पाएँ। तो
कैसा लग रहा आपको हमारा ये कुकिंग का व्लॉग। और ये आधा ही मैं डाल रही हूँ, इसके बाद जो रात का है वो भी मैं एडिट करके डाल रही हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।